गुड़गांव में एक बड़ा हादसा टल गया। 2.5 साल का बच्चा सचिन 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया, लेकिन करीब 1.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को बचा लिया गया। ढाई साल के सचिन को नई जिंदगी मिली है। रविवार रात गुड़गांव के चूम गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2.5 साल का सचिन इस गड्ढे में गिर पड़ा। करीब 20 फीट गहरा गड्ढा बिजली विभाग ने खोदा था और बड़ी लापरवाही से इसे यूं ही छोड़ रखा था। जानकारी के मुताबिक सचिन 12 फीट की गहराई में फंस गया था। बहरहाल सचिन किस्मत वाला था, गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था और रेस्क्यू टीम भी जल्द मौके पर पहुंच गई। करीब 1.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सचिन को सलामत गड्ढे से निकाल लिया गया। बच्चा पूरी तरह फंसा हुआ था, अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती, हो सकता था मिट्टी गिर के मर सकता था बच्चा, इसलिए पूरा एहतियात बरता गया और एक सुरंग बनाई गई वहां तक जहां तक बच्चा फंसा हुआ था। सुरंग बना के बच्चे को सेफ बाहर निकाला गया, बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है और हॉस्पिटल में बचा दिया गया बच्चे को। बच्चा नीचे 20-22-25 फुट के गहरे के अंदर 15 उसके अंदर उसको खुदाई थोड़ा कर नीचे खुदाई करके उस बच्चे को आराम से सेफ निकाल रहा है। बच्चा बिल्कुल ओके है, ठीक है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब गुड़गांव से सटे मानेसर में 5 साल की बच्ची माही 65 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई थी। 4 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद माही को बचाया नहीं जा सका था, लेकिन सचिन के साथ हुए हादसे से साफ है कि लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा है। जिस तरह से खुले गड्ढे को फिर से छोड़ दिया गया था, एक बात तो साफ है, चाहे कितनी बार भी ऐसे मामले होते रहे प्रशासन की लापरवाही सामने आती रहेगी और जब भी कभी मीडिया की तरफ से या फिर कोई ऐसी वारदात होगी उसके बाद ही प्रशासन कार्रवाई करने की बात करेगा। लेकिन असलियत में जो दावे हैं वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं आप दे सकते हैं। सूत्र की बात है कि बच्चे की जान नहीं गई, बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से जल्दी बच्चे को बचा लिया गया, लेकिन ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। प्रशासन को जरूरत है कि आंखें खोले और इस तरह की वारदातों पर, इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कानून को सख्ती से लागू करे। आखिर लापरवाही से कब सीख लेंगे लोग, कब तक गड्ढों में गिरती रहेंगी जिंदगी, प्रशासन को इसका जवाब देना ही होगा। राज वर्मा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, गुड़गांव आज तक।